हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ये देखिए 10 दिन के बाद का रिजल्ट। ये मैंने गेंदे की मैरीगोल्ड जो फ्लावर होता है उसकी एक कटिंग दो ले ली थी, और देखने के लिए मैंने कभी कटिंग से पानी में कटिंग करके ग्रो नहीं किया अभी तक, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। सीड से कर लेती हूँ या फिर नर्सरी से पौध लेकर आती हूँ। तो देखने के लिए मैंने ये दो कटिंग लगा दी थी फ्रेंड्स पानी में, ये देखिए। तो ये 10 दिन के बाद ऐसे रूट्स निकल आई हैं। तो ये फ्रेंड्स बस मैंने इसको हल्की लाइट धूप में ही बाहर ही रख दिया हुआ है, और 2-4 दिन बाद पानी चेंज कर देती हूँ। ये छोटी सी डिब्बी में ही मैंने लगा दी थी देखने के लिए। तो बस 4 दिन बाद मैंने पानी कर दिया था इसका चेंज, और कुछ नहीं डाला इसमें। तो ऐसे यहाँ ही लाइट हल्की धूप में ही बाहर ही रखी हुई है। तो एक एक के तो देखिए फ्रेंड्स रूट्स काफ़ी निकल आई हैं, ये 10-12 दिन में निकल आई हैं। और जो दूसरी कटिंग है उसके कम निकली है, ये देखिए रूट्स। लेकिन जो भी है सक्सेस हुई है, और अब हम इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। तो आप भी ऐसे फ्रेंड्स एक प्लांट से कई प्लांट्स आप तैयार कर सकते हैं। तो ठीक है, आपके साथ यही शेयर करना था। और देख लीजिए मेरे ये टमाटो के प्लांट्स फ्लावरिंग हो रही है, एक ये है, दो है। ग्रीन ऑनियन, ये गाजर भी इतनी बड़ी हो गई है, ये देखिए ऐसे जो काट कर ऊपर से काट कर लगाई थी ना, वो इतने बड़े लीव्स हो गए हैं देखिए। इनके भी दिखा देती हूँ रूट्स। देखिए फ्रेंड्स इसके ऐसे रूट्स आ जाते हैं, और ये इतने लीव्स, इतने बड़े लीव्स हो जाते हैं। ये फ्रेंड्स दोबारा तो नहीं बनती गाजर, लेकिन ये लीव्स हमें मिल जाते हैं ग्रीन ग्रीन। तो ये है कि रीग्रो हो जाती है शलगम, मूली, गाजर, ओनियन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स इसी तरह मैंने ये ऊपर टेरेस गार्डन पे भी मैंने ये बॉटल में ना गेंदे की छोटी छोटी कटिंग्स लेकर रख दी थी पानी में। देखिए ये भी 15 दिन में ये इतनी रूट्स निकल आई, देखिए। तो आप ऐसे सिंपल बस जो होता है ना हमारा यूज होने वाला पानी टूटी का लेकर, इससे भी बॉटल ग्लास जिसमें भी रखना चाहे रख दें। तो ऐसे थोड़ा रोज 4 दिन बाद पानी बदल दें तो ऐसे निकल आती हैं, और आप कई प्लांट्स बना सकते हैं। तो अब इसको हम मिट्टी में ग्रो करके 2-4 प्लांट्स ये बन जाएंगे हमारे।